अस्सलाम वालेकुम इमरान, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल आपकी टीम की रही, लेकिन फिर अचानक से आपकी टीम जो है कोलैप्स कर गई एक अच्छी फाइट के बाद। तो कहाँ खामियां देखने को मिली जिसकी वजह से आप लोग हारे आज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी देखें, हम बड़ा अच्छा खेल रहे थे, जाहिर बात है, बीच में फिर गैप आया, फिर हम आपस में आके दोबारा यहाँ पे मिले हैं एज ए टीम। तो आई थिंक वी डिड व्हाट वी कुड इन दैट टाइम वी हैड, और जो हमने प्रैक्टिस वगैरह की है तो उस हिसाब से तो आई थिंक पर्सनली वी गॉट नो एक्सक्यूज। तो आई थिंक वी जस्ट वन गुड ऑन द डे। तो खामियां तो कुछ ऐसी खास नहीं है, जाहिर बात है बैटिंग में हम इतना नहीं कर पाए और फिर बॉलिंग में कहीं एंड पे ज़्यादा रन हो गए, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि वो एक्सिक्यूट करना होता है अपने प्लान्स को, तो वो डे पे हम नहीं कर पाए। तो आई थिंक आई डोंट ब्लेम एनीवन, एंड ऑफ द डे वी ऑल ट्राइड एज ए टीम। जी मुजम्मल, इमरान भाई, ये आप मुल्तान सुल्तान को अगर इस सीज़न देखा जाए, फर्स्ट लेग जो हुआ पाकिस्तान में, उसमें थ्रू आउट बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, लेकिन अभी आप दोनों मैचेस हार गए, दो मौके मिले अवेल नहीं कर पाए, तो क्या समझते हैं जो 8 महीने का गैप आया इसने अफेक्ट किया टीम की परफॉर्मेंस को? जी देखें, मैंने जैसा मेंशन किया है, हम सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और सब गेम खेल रहे हैं, इवन दो कोविड है और काफ़ी डिफरेंट देन वन इट वॉज तो जब हम लास्ट टाइम थे इकट्ठे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक्सक्यूज़ मैं कोई नहीं देना चाहता एज ए प्रोफेशनल, ये मेरा जस्ट पर्सनल व्यू है और आई थिंक बिहाफ ऑफ द टीम इज़ वेल। हमें सब चीज़ें प्रोवाइड की मुल्तान सुल्तान के मैनेजमेंट ने और हर चीज़ का ख्याल रखा, जहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए हमें चीज़ें चाहिए थी सब मिला है। तो आई थिंक वी जस्ट डिडंट परफॉर्म वेल ऑन द डे, बट आई स्टिल थिंक वी प्लेड गुड क्रिकेट। आमिर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। ताहिर भाई, आप यू नो पीएसएल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, आप अभी आईपीएल भी खेल कर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है कंपैरिजन के तौर पे अगर मैं पूछूं? देखें, कंपैरिजन कोई नहीं है, स्टैंडर्ड सेम है दोनों लीग्स का। तो थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे ग्राउंड्स थोड़े से छोटे हैं, तो एज ए बॉलर आई फील दैट, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा स्टैंडर्ड फैंटास्टिक है, इधर फास्ट बॉलर्स, पिचेस बड़ी अच्छी हैं और बैट पे बॉल आता है और मे बी नाउ एंड देन स्लो ट्रैक, लेकिन आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी गुड स्टैंडर्ड लीग। थैंक यू सो मच इमरान फॉर योर टाइम। एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। जी अस्कर, आप प्लीज कर लें लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमें ये रैप करना है जल्दी, प्लीज क्विकली। अस्सलाम वालेकुम इमरान। इस्लाम इमरान, जानना ये था कि जो हमारे फॉरनर्स प्लेयर्स खेल रहे थे पीएसएल में, वो कि आप हमारे अपने ही हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपका शुमार भी फॉरनर्स में ही होता है, चंद मशहूर और जो पब्लिसिटी हासिल कर सके प्लेयर उनमें से एक आप भी हैं जिनको पाकिस्तानी कौम ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो नेक्स्ट पीएसएल के बारे में क्या प्लान है एडिशन 6 के हवाले से? क्या मुल्तान सुल्तान में ही नजर आएंगे या कुछ की जाने से कोई ऑफर आई है आपको? देखें जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिहाफ ऑफ मी एंड बिहाफ ऑफ ऑल द फॉरेन प्लेयर्स, जो कि बड़ी अच्छी बात करते हैं इस लीग के बारे में, और जब हम इधर आते हैं तो हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और मैं अभी ये ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं कह सकता कि वो किधर होगा, बिकॉज यू नेवर नो कि हम शायद ड्राफ्ट में जाएँ, लेकिन आई वुड लाइक टू कम बैक एंड प्ले फॉर मुल्तान, क्योंकि मुल्तान ने मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी है एंड आई लव द बैज और आई लव द पीपल अराउंड मुल्तान सुल्तान। So hopefully I'll come back to Multan again and but then obviously it's depend on the draft and whatever is going to happen you never know. Thank you Imran, thank you so much for your time. Thank you, Allah Hafiz. Conducting the session today, I request all of the reporters of Zubair bhai, can you please turn off your mic? Thank you. I request all of the reporters over here to please mention their questions in the chat so we can start off with the press conference. We'll start off with Mohammed Muzammil, and then I will ask. Then I will request Zubair to ask the question. So Muzammil, over to you. We say wonderful performance by yourself. Everywhere you were in the ground, like 48 runs, then 3 wickets, a brilliant catch on the boundary. How will you describe your
today's performance and moving into the final, you guys have to face Karachi Kings, which seems like a rivalry match in the final. Yeah, thank you. For me today was you know, as close to a complete team performance that we've had, you know, throughout the tournament. There's always been individuals who are standing up and putting, you know, making those match winning performances. But today, I think everybody did their job fairly well, bowling, batting, everybody, you know, and just luckily for me, you know, it was my day today. And, you know, fortunately, I can make it count and put in the, you know, the big performance for the team. Okay, I say congratulations for great performance. You did tremendous job. 21 balls, 40 runs, and then 27 runs and 3 wickets. What was in your mind when you appeared in the ground? Yeah, so, you know, the batting side of things, you know, it was a bit tough when we got there. Shahid Afridi and Imran Tahir was bowling really nicely. The spinners were difficult. So we knew that, you know, we almost just had to survive against them. And then hopefully the last couple overs against the seamers, we could try and take them on and, you know, hit a couple of big boundaries. And, you know, fortunately for us, and me and Samit Patel, I think Samit played really nicely also there. We had a good partnership and, you know, we got a couple away in the end. And then in terms of the bowling, we knew we had a good score. So, you know, they were under pressure the whole time to score the runs. And it wasn't going to be easy. So we just had to keep absorbing the pressure. And eventually, you know, when the wicket falls, we just put pressure on the new batsman. And, you know, fortunately for me, again, it was my night in the field and, you know, got a couple of big wickets for the team. Amir, you can go next. Hi, Vijay. You know, the Karachi versus Lahore rivalry is huge. I mean, how does it feel to be now, you know, looking ahead at this game? I mean, what's the feeling like in the camp about this? Yeah, you know, I think it's still, you know, it's a surreal feeling for us at this stage. I don't think anybody gave us a chance at the start of the tournament to be in the final. You know, so we're going to just enjoy this moment now. I don't think we need to look too far ahead. You know, we've got tomorrow where we can, you know, have our meetings and do our plans and, you know, plan for the next game. But, you know, it's not every day that you make a final. So, you know, it's important to enjoy these little situations and these positions you're in also. So, you know, definitely just go into the change room, spend some time with the boys and enjoy the moment. And then tomorrow the hard work starts again. All right. Thank you. So David will take the last question now. I'm joined by Khalid H. Khan, and I'll request him to ask the question. Yeah, please. David, first of all, congratulations on reaching the final. Would you ever thought of that it will be a dream final between Karachi and Lahore? Yeah, it is something that I think everybody was hoping for when it got to the situation. I think the only thing that would make it perfect now is if, you know, we could have a packed house over here so everybody can enjoy the game. But, you know, unfortunately, that's not the situation we're in at this stage. But I'm pretty sure, you know, everybody's going to be watching the game at home and supporting whichever team you support. So, you know, it's going to be a big game. It's going to be a lot of buzz leading up to the game in the next few days. A lot of social media talk going on. You know, so it's going to definitely be exciting. Thank you. David, I know I said the last question, but I have just received a request for another question. So we will take that request. So I request now Faizan to please ask the question. And this will be the final question of the press conference. Thank you, Asan. David, first of all, congratulations on the win. You seem to be loving hitting sixes against Multan Sultans. What's the catch behind your love for Multan Sultans bowling? No, it is actually, you know, quite a thing that I've actually been quite successful against them now the past few seasons. But, you know, just every single game for me, I've got the same approach. You just got to try and keep it simple and, you know, do your best. And, you know, hopefully, you know, fortunately for me tonight, it worked off and one or two balls landed in my zone and I was able to, you know, clear the park. But on any other day, things won't quite work out for you. So, you know, it's a lot of hard work behind the scenes and, you know, a lot of training into it that leads into the preparation for a game. And, you know, on any given day, anything can happen. So again, fortunately for me, you know, tonight was just my night. With that, we'll conclude the press conference. Thank you so much, David, and everyone for joining us.